नमस्कार जी, कैसे हो जी आप? अभी क्या कि 15-20 दिन हो गए मेरे को व्लॉगिंग किया नहीं है, और मैं लास्ट टाइम ये व्लॉग में गया था सिटी के लिए, उसको हो गया है मोर देन 15 डेज। और तो ये थोड़ा क्या कि व्लॉगिंग कंटिन्यूसली हम करते हैं तो वो फ्लो आता रहता है व्लॉगिंग का। अभी थोड़ा कैमरा उठाया हूँ मैं बहुत टाइम के बाद, तो थोड़ा ये वापस यूज टू हुआ हुआ था मैं, तो अभी वापस वो फीलिंग नहीं आ रही है। तो आज इस व्लॉग में मैं पहले जाऊँगा बीकानेर सिटी, तो वहाँ पे मेरे को हेयर कट करवाना है, और मैं यहाँ से जाता हूँ बीकानेर सिटी के लिए हेयर कट करवाने, एक ही जगह करवाता हूँ हेयर कट। तो फिर वहाँ चलने के बाद एक दो जगहें और जाना है, और आज मैं बाइक से नहीं जाऊँगा बीकानेर, आज मैं जाऊँगा बस से। तो यहाँ से वो बस स्टैंड है 2-3 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी क्योंकि मैंने वेट भी बढ़ा लिया है मेरा बैठ बैठ के घर पे, तो थोड़ा आज वॉक भी हो जाए, चलना भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलेंगे हम बाई वॉक और उसके बाद बस से, तो वो अलग फीलिंग आने वाली है आज, क्योंकि मेरे को 4-5 साल हो गए हैं बस से नहीं गया कभी मैं, क्योंकि बस में जाने का अलग ही रुतबा है, अलग ही फीलिंग होती है। तो रास्ते में बातचीत करते हैं, और आज का मौसम है कि वापस ठंड हो गई है। अभी क्या कि 5-6 दिन ऐसा लग रहा था कि समर आ गया है, तो अभी वापस आज फोग आया है, आप पीछे देख रहे दिखाई दे रहा है आपको फोग। तो चलते हैं, रास्ते में बात करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। अभी हमें पता चला है कि बस है जो 12:30 बजे की, वो बस तो चली गई है, और मैं आया था 12:20 पे, लेकिन वो आई थिंक कभी 12 बजे कभी 12:30 बजे चली जाती है, ये भी यहाँ के लोगों से पता चला है। तो बस तो चली गई है, तो हमें हिचहाइक करना पड़ेगा आज अगर कोई मिलता है बस, अगर कोई मिल जाता है कोई भी जैसे बाइक वगैरह, तो हम चलेंगे बाइक से, और तो कोई उपाय नहीं है। और टैक्सी जाती है यहाँ से पियाजियो टैक्सी चलती है, तो शायद हमें टैक्सी अगर मिलती है तो टैक्सी से जाएंगे नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा बाइक से। यहाँ तो क्या आ गई मेरे को इस जो ये विलेज है सुरदना चौहानान, यहाँ पे मेरे को बहुत कम जानते हैं, और सुरदना परियानान है पीछे, तो वहाँ मेरे को जानते हैं, अगर कोई वहाँ से आता है तो मेरे को बिठा लेंगे, नहीं तो फिर लिफ्ट लेना पड़ेगा कोई भी आते हैं तो हाथ देना पड़ेगा, भाई रोकिए हमें ले जाइए साथ में, हम जो पीछे रह गए हैं बस से, क्योंकि आज हम मेरा मन था आज बस में बैठने का, बस में जाने का, लेकिन वो तो हो नहीं सका, क्योंकि वो फीलिंग है ना भाई बस में बैठकर जाने की गांव से, वो फीलिंग अल्टीमेट है, उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, कोई समझौता नहीं कर सकते हैं यार रियल में। तो बस तो चली गई है, अगर देखेंगे कोई साधन, कोई दूसरा साधन मिल जाए बाइक से, आई थिंक बाइक से जा सकते हैं, और तो कोई है नहीं। और बाइक में भी जा रहे हैं वो क्या कि एक दो जन जा रहे हैं, तो उन्हें रुकवाना भी अच्छा नहीं लगता रियल में, और मेरे को लिफ्ट लेना थोड़ा टफ लगता है, टफ तो है ही नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश तो कर लेनी चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर कोई बिठाए तो बिठा ही लेंगे, गाँव वाले अच्छे दिल के होते हैं रियल में यार, शहर वालों के कंपेरिजन में गांव वाले बहुत ही दरिया दिल होते हैं, दरिया दिल हैं। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ वेट करना, क्योंकि वेट किया नहीं है कभी यार, बहुत टाइम हो गया मैंने, तो आज वेट करना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। और लेकिन जो ये फीलिंग है ना बॉस, ये फीलिंग कुछ अलग फीलिंग है रियल में, क्योंकि मेरे को हो गया 15-20 दिन हो गए हैं, और मेरा ये है कि मैं जब निकलता हूँ ना बीकानेर सिटी के, तब तभी ही घर से निकलता हूँ, वरना मैं घर से नहीं निकलता हूँ।
तो मेरा क्या होता है, दो रूट होता है, एक तो बीकानेर सिटी जाना और बीकानेर सिटी से वापस आना घर। घर आने के बाद मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, तभी निकलता हूँ जैसे आज आ रहा हूँ तो 20 दिन हो गए मेरे को, तो वैसे ही निकलता हूँ और मैं निकलना नहीं होता घर से। तो लेट्स सी यार, क्योंकि हेयर कट भी कराना है और भी एक दो जगह और जाना है, एजेंसी और जाना है। लेकिन हमें क्या है कि कभी कभी ऐसा भी चलना पड़ता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है लाइफ में। एक बार तो ये हो नहीं सकता कि कोई मिल जाए, लेकिन देखते हैं रास्ते में अगर कोई मिल जाता है तो चल लेंगे, नहीं तो अन्यथा हमें क्या कि ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा। 3-4 बाइक्स हैं वो गुजर चुकी हैं, लेकिन तो हमें फाइनली ऑटो मिल गया है, तो आज ऑटो में ही जाएंगे। लिफ्ट लेते लेकिन कोई मिला नहीं, कोई आ रही थी बाइक्स, वो भी कोई 2 जन थे, कोई 3 जन थे, किसी के साथ लेडीज थी। तो अभी ये ऑटो मिला है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये रूट ऑटो नहीं है। अगर रूट ऑटो होता तो उसमें सवारी भी होती है, लेकिन ये खाली जा रहे हैं। मेरे को पहले ही उधर जाना है, गर्दीसर फाटक पे, वहाँ से हम जाएंगे गंगा शहर और हम आपको दिखाते हैं बीच का रास्ता।